छपरा के चर्चित होटल में चल रहा था गंदा काम, हो गया भंडाफोड़। पुलिस जैसे ही पहुंची तो मच गया अफरा तफरी, सात लड़के लड़कियां गिरफ्तार। जी हां, बिहार के सारण के मड़ौरा थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर स्थित होटल आदित्य में सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करके आपत्तिजनक हालत में तीन युवतियों समेत सात लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ के साथ जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार के दोपहर प्रशिक्षु डीएसपी राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पूर्व में भी पुलिस ने एक बार देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी की थी, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी थी। पुलिस के करीब एक घंटे की छापेमारी में पुलिस ने होटल प्रबंधन के अलावे तीन लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने होटल के कमरे से निरोध और अन्य वस्तुओं को जब्त किया है। प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पर की गई है। मौके से चार मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त करते हुए अंचलाधिकारी की उपस्थिति में होटल को सील कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने इसी साल जिला के जनता बाजार थाना क्षेत्र से 18 अगस्त को डोरनाथ मंदिर के नजदीक स्थित रेस्टोरेंट सह विवाह भवन में छापेमारी कर नौ युवक और युवतियों को हिरासत में लिया था। वहीं इससे पहले 7 सितंबर को जनता बाजार स्थित रेस्टोरेंट में दो लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों रेस्टोरेंट को दंडाधिकारी की उपस्थिति में सील कर दिया गया था। जैसे ही पुलिस की छापेमारी के बाद सारी चीज का भंडाफोड़ हुआ है, क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। बहरहाल अब इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए।